जी हाँ साथियों, फिर स्वागत है चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में सीखेंगे, जैसे कोई पीडीएफ हमको फॉर्म मिल जाता है तो उसमें कोई डाटा फिट करना होता है, तो हम कैसे पीडीएफ को बिना एडिट पीडीएफ को में फॉर्म को फिल कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई फॉर्म को खोल लेते हैं, तो सबसे पहले बता दें कि आपके सिस्टम में लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी चला दें उसमें आप में एडाप रीडर होना चाहिए। एडाप रीडर रहेगा उसमें आप खोल लेंगे। उसे खोलने के बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, कलम का बनाया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। पेज और कलम दोनों बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ बगल में आ गया एड टेक्स, एड टेक्स वाले पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ लिखने का ऑप्शन देखिए दिखाई देने लगा, चाहे इसमें जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में, चाहे जो भी भाषा चाहे आप लिख सकते हैं, चाहे नाम वगैरह कुछ भी लिखना हो देखिए आसानी से लिखा जा रहा है। और इसमें भी देखिए आसानी से जो भी कुछ लिखा जा रहा है लिखा चला जा रहा है। तीसरे से आप आसानी से अगर चाहें तो आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, या कोई दूसरा फॉर्म भी वैसा है कि जिसमें आप एडिट करना चाहते हैं या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कोई फॉर्म देख लेते हैं, कोई पीडीएफ वैसा फॉर्म, जैसे मान लीजिए यहीं पीडीएफ हमको इसमें भरना है, हम देखिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ एक टेक्स्ट पर चले आएंगे। एक टेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद यहाँ जो भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं, जैसे जो भी कुछ लिखेंगे लिखा जाएगा। फिर हमको मान लीजिए कि यहाँ पर लिखना है, और यहाँ भी जो कुछ चाहते हैं देखिए लिखा जा रहा है। इस अगर साइज़ कम बेसी करना हो तो हम इसके साइज़ कम बेसी भी देखिए यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको 9 कर सकते हैं, इसको 24 कर सकते हैं। और देखिए हम भाषा का अपने भाषा को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी भाषा आप करना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी। देखिए आसानी से हमारा भाषा भी चेंज हो जा रहा है। इसको हम चाहें मान लीजिए कि देखिए यहाँ हमारा भाषा हिंदी भी लिख गया। अब इसको एक चीज़ और होता है कि इसमें हमारा एक कम बेसी हो गया, इसको हमको सही से मेंटेन करना है, तो हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसको पहले साइज़ इसका ले कर लेंगे कि जो भी साइज़ करना होगा, इसमें हमको इसको साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा है, वो साइज़ छोटा कर लेते हैं। तो जो हमारा छोटा साइज़ हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया, तो कहीं बगल में गया तो हम इसको उस जगह क्लिक कर लेंगे। ऊपर देखिए इस तरह का निशान बना रहा है, इसको ले करके हम ऊपर नीचे इसको सरका देंगे। तो देखिए हमारा हाथ में बढ़ने लगा। तीसरे से हम इसको साइज़ जो भी होगा ऊपर नीचे इसको हम करके इसको हम सही से मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान दें कि इस पर क्लिक रहेगा तो ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, अगर जैसे इसका बड़ा बढ़ा करके देखिए हमारा इस आसानी से हम सेम साइज़ में जाकर के मिल गया। इस तरह से आप आसानी से कोई पीडीएफ है उसको अगर आप किसी तरह से फिल करना चाहते हैं तो आप आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह मजेदार जानकारी की वीडियो के साथ एक और नई वीडियो में।